लक्ष्मीशा नील ग्लैम विद मी। जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि आज एक एक्साइटिंग चीज होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं कुछ खरीदने। आपको तो थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया होगा कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं। पापा का ड्रीम था, वो पूरा होने जा रहा है। चलिए चलते हैं। যে আপনার স্পেস কম থাকে, ডিগি জায়গা কম, প্লাস আপনার যখন ক্যারি করবেন সিটের স্পেসটা কম আছে, তো সেইখানে আপনি ড্রিফটে সেই বেনিফিটগুলো পাচ্ছেন। এটা এজ, তো এটা এজ আর এটা হচ্ছে ড্রিফ। ড্রিফ कितना ज़्यादा कम हो जाता है ना लाइट। हैदराबाद में ऐसा नहीं होता था, 6 बजे 6:30 बजे को होता है। सो हम लोग घर आ गए उधर से, कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ कार को क्लीन करना, मतलब गाड़ी को, स्कूटी को क्लीन करना, ऐसा सब कुछ काम रहता है। तो भैया ने बोला कि आप आ जाओ, मैं आता हूँ, तो अभी तक नहीं आए हैं। खाना पीना सब हो गया, बहुत लेट हो गया था हमें आने में। बहुत सारे कपड़े धो दिया है, सो इसको सब उठा के लेके जाती हूँ। उन्होंने कॉल किया है कि 10 मिनट में आ रहे हैं डिलीवरी देने, क्योंकि एज़ यू नो दैट पापा और अनिमन किसी को चलाना नहीं आता है, पर इसमें जो है ना लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में आपको डिटेल्स बताती हूँ। ये तो नया स्कूटी आ गया है, मैचिंग लग रहा है ना। तो कल मैं फुल इसकी रिव्यू दूंगी, क्या है, क्या क्या सिस्टम है, सब बताऊंगी। आज नहीं, क्योंकि घर के बाहर इतना मच्छर है, मैं क्या बताऊँ। इन लोगों का तो मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मच्छर, इतना बड़ा बड़ा साइज का मच्छर, पता है। कल आपको दिखाऊंगी पापा कितने खुश हुए हैं, कितने एक्साइटेड है, सब कल पता चलेगा। फिलहाल कल की ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर लेती हूँ। प्रेशर अट्टू बनाना है मुझे, पापा सुबह सुबह ऑफिस को लिए निकलेंगे, उसके लिए टिफ़िन बनानी है, और हम लोग भी खाएंगे। और कल अनिर्बन थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि अनिर्बन को नहीं आता है चलाना, पर जिन लोगों को साइकिल चलाना आता है उन लोगों को बहुत ही आसानी होती है, स्कूटी 1-2 दिन में सीख जाते हैं। पहले तैयारी कर ली।
क्या है, बेसिकली अभी तो अनिर्वाण को ही चलाना है, उसके बाद पापा चलाएंगे, क्योंकि पापा को भी नहीं आता है, अनिर्वाण को भी नहीं आता है, दोनों को ही सीखना है ना। विराट रास्ता। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, यो ड्रिफ्ट डीएक्स इसका नाम है। ये पर चार्ज पे 80 किलोमीटर जाता है। इसका जो बैटरी है वो लीड एसिड बैटरी है, लिथियम मैंने नहीं लिया है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी ने उन्होंने बोला कि 5 बैटरी रहता है, एक साथ 5 खराब नहीं होता है, तो अगर ख़राब भी होता है तो आपको टाइम मिलता है इसको चेंज करने का। फुल अगर पाँचों के पाँचों आप रिप्लेस करना चाहते हो तो 17,500 कॉस्ट होता है, जिसका 1 ईयर का वारंटी है। अगर हम पेट्रोल में जाते तो 1 ईयर में 17,500 के ऊपर पेट्रोल ही खर्च होता, तो हमने सोचा कि इसके लिए यही बेस्ट होगा, पापा के लिए स्पेशली, क्योंकि पापा को ज़्यादा पैसा स्पेंड ना करना पड़े रेगुलर आने जाने में, क्योंकि पापा ऑफिस जाने वाले हैं इससे। और ये जो स्कूटी है इसका सामने डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है, और इसके हमने इंश्योरेंस भी किया है अगर चोरी हो जाता है, क्योंकि लाइसेंस नहीं होता है ना इसका, मतलब नंबर प्लेट नहीं होता है, अगर चोरी हो जाता है तो फुल क्लेम मिलता है, और कुछ भी होता है रास्ते में ख़राब हो जाता है, कुछ होता है तो उनको कॉल करके वो लोग आके ठीक करके देंगे। ये सब फैसिलिटीज़ है, इसीलिए हमने सोचा कि ये ले लाइन बेस्ट रहेगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम धीरे धीरे करके हमको पता चलेगा, जस्ट लाइक इसमें 2-3 आदमी भी बैठ सकते हैं, और चार्जर जो है ना वो घर पे आप चार्ज कर सकते हैं। फुल चार्ज होने में आपको 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ लगता है, मतलब 20 रुपीज़ में आप 80 किलोमीटर चल सकते हो, और इधर से आपको सारी चीज़ें शो करता है। और अगर कुछ भी अंदर से मतलब शॉर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या होता है कि अंदर डिकी में एक एमसी क्या है, MCP है, वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है और शॉर्ट नहीं होने देता है। आप इसको क्लीन भी कर सकते हो, बस पानी ऐसे छिड़कना नहीं है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक बैटरी रहता है। और काफ़ी दिखने में भी मुझे अच्छा ही लगा, इधर पे लेग स्पेस ज़्यादा है, और हमने जो है ना वो रेन कवर नहीं लिया है, क्योंकि ये घर के अंदर ही रहेगा, बस बैठने के लिए इधर जो एक रहता है स्टैंड, वो वाला स्टैंड लिया है ओनली। और यहाँ पे आप देखो, इसमें आप थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबली बैठ सकते हो, पीछे जो बैठ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, और हैंडल लॉक वगैरह जो जो रहता है वो सभी कुछ सिस्टम इसमें अवेलेबल है। तो यही है, तो पापा के लिए फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट लिया है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दिया मैंने, पर पापा के लिए कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब पापा को चाहिए क्या है यही पता ही ना। तो लॉकडाउन में पापा का ऑफिस को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था आने जाने में, तो सोचा कि यही पापा के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। पापा का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, मम्मी ने बहुत बार मना किया, फर्स्ट टाइम पापा मम्मी से लड़े कि नहीं, क्यों होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है, क्यों नहीं चला सकते हैं। हमने बहुत कोशिश किया कि पापा की लाइसेंस आ जाए, पर इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, पापा का 60 आप एज है ना, तो लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम है, मेडिकल सर्टिफिकेट दो, ये सब चीज़ें चाहिए, तो इसीलिए सोचा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी बेस्ट होगा पापा के लिए, है ना। बट अभी पापा स्कूटी से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाइम अभी तक हुआ नहीं है, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, अभी फिलहाल ऑफिस जा रहे हैं। दीदी छोटी भी बोलो, देखो अभी पापा तो चले गए हैं, अनिर्वाण प्रैक्टिस करेंगे, और मम्मी को देखो, मम्मी का ड्रेस देखो, ये पता है किसी लिए है, ये मच्छर प्रोटेक्शन पता नहीं मम्मी इसको कहाँ से लेके आई है, मम्मी के तो पूरा लग रहा है डॉक्टर, डेंटिस्ट, लेडी डॉक्टर, बी स्पेसिफिक लेडी डॉक्टर, नॉट अ जनरल डॉक्टर, विदाउट सर्टिफिकेट, ওই জন্য কেউ ডাকছে না আমাকে ট্রিটমেন্টের জন্য। আজকে লিয়ে ইতনাই কাফি হ্যায়, অভি অভি পুরা প্র্যাকটিস সিজন চলেগা, নেক্সট ব্লগ মে আপ লোগো কো বহুত কুছ নয়া মিলনে, বেঙ্গালি বেঙ্গালি মে দেখেগা কি ইসকা প্র্যাকটিস কেসা চল রহা হ্যায় তো অভি তক, অর ইসকা থোড়া ডিটেইলড মে মে ভি স্পেসিফিকেশনস বাতা দুঙ্গা, তো আপ লোগো কো ইজি রহেগা, অগর কোই সোচ রহে হো কি স্কুটি লেনে কে লিয়ে, তো ইউ ক্যান কম্পেয়ার এন্ড ইউ ক্যান ডিসাইড, সো চলিয়ে অভি টাটা, বাই বাই, বাই বাই, আপ লাইক কমেন্ট অর শেয়ার করতে রহনা, বাই বাই।